स्टूडेंट्स फाइलम इकाइनोडर्मेटा, नेक्स्ट टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मीन स्पाइन और डर्मा मीन स्किन, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी स्किन के ऊपर क्या है, स्पाइन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ड्यूटियोस्टोम्स है, यानी कि ब्लास्टोपोर पहले एनस बनाता है, बाद में किसमें चेंज हो जाता है, ब्लास्टोपोर पहले एनस में चेंज होता है, बाद में माउथ बनाते हैं। यानी कि 5000 स्पीशीज है इनकी, ऑल मैरीन, सारे मैरीन है, बॉटम ऑफ ओशन, ओशन की बॉटम में रहते हैं, क्लोज टू शोर, और कुछ क्या बेसिकली कहाँ पे रहते हैं, बॉटम ऑफ ओशन एंड क्लोज टू शोर, यानी कि जो साहिल के करीब की रहते हैं। स्टूडेंट्स इनमें रेडियल सिमेट्री है फॉर स्पेशल मोड ऑफ लाइफ, यानी कि जो लार्वी है उसमें रेडियल सिमेट्री है, जो अडल्ट है उसमें रेडियल सिमेट्री है, जबकि लार्वी है उसमें कौन सी है, बायलेटरल सिमेट्री है। ये बेसिकली स्पेशल मोड ऑफ लाइफ है इनका, यानी कि इनकी लाइफ की बेस पे, इनका जो लाइफ स्टाइल है उस बेस पे इनमें एक ये मॉडिफिकेशन आई है कि जो अडल्ट है उनमें रेडियल सिमेट्री है और जो लार्वी है उनमें बायलेटरल सिमेट्री। डेलिकेट एपिडर्म्स, इनकी जो एपिडर्म स्किन है डेलिकेट है, कवर्ड इन स्केलेटन, ऊपर उस स्केलेटन के साथ कवर्ड होती है। स्केलेटन इसका किससे बनता है, मीजोडर्म से। स्टूडेंट्स जितने भी हमने पहले फाइलम पढ़े हैं उन सब में जो स्केलेटन बनता था वो बनता था एक्टोडर्म से, लेकिन यहाँ पे स्केलेटन किससे बन रहा है, मीजोडर्म से, कवर फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से कवर करता है इसी बेस पे, क्योंकि मीजोडर्म से बनता है इस वजह से इसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं, यानी कि इनसाइड बॉडी है और मसल्स आउटसाइड है। और किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और स्किन के ऊपर क्या है, स्पाइन है, ये अगर आप यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं ये स्पाइन बने हुए हैं स्किन के ऊपर। माउथ ऑन लोअर सरफेस, स्टूडेंट्स ये लोअर सरफेस पे इसका माउथ है और एनस अपर सरफेस पे है। अगर हम नेक्स्ट इसकी बॉडी शेप को देखें, आर्म्स अटैच टू सेंट्रल डिस्क, स्टूडेंट्स अगर ये देखें यहाँ पे, ये एक बॉडी शेप में ये सेंट्रल डिस्क है, ये इसके आर्म्स सेंट्रल डिस्क के साथ अटैच है। समटाइम फ्लैट लाइक बिस्किट, ये वाली है, इसको के अर्चन बोलते हैं। ओवल और स्फेरिकल, ये सी अर्चन है। इसी तरह पे स्टार फिश है, शॉर्ट आर्म, ये वाली स्टार फिश है, स्टार शेप है लेकिन लॉन्ग आर्म, ये ब्रिटल स्टार है। लॉन्ग फेदरी आर्म्स, ये वाले हैं, इसमें लॉन्ग और फेदर, इसको फेदर स्टार भी बोलते हैं। इलोंगेटेड वर्म लाइक सी कुकंबर, ये हमें नजर आ रहा है, ये इसकी कॉमन एग्जांपल थी, इसकी बॉडी शेप थी और ये एग्जांपल भी थी। स्टूडेंट्स लोकोमोशन है, अगर देखें सम आर अटैच टू सबस्ट्रेट, किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो जाती है। मोस्ट कैन मूव फ्रीली, और मोस्टली क्या करती हैं, मूव करती हैं बाय मीन ऑफ अ ट्यूब फिट, ट्यूब फिट की मदद से मूव करती हैं। फिर हाइड्रोलिक सिस्टम एंड मसल्स, यानी कि मसल्स और इसके अंदर जो वाटर सिस्टम है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, वो हेल्प करता है मूवमेंट में। यूनिक इन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका यूनिक है। एम्बेडेड इन सिलोम, ये सिलोम के अंदर होता है। मेनी ट्यूब्स एंड स्पेस, इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं और स्पेस होती है। स्टूडेंट्स द सराउंडेड माउथ एंड रीच आर्म्स एंड ट्यूब, स्टूडेंट्स अगर देखें ये इसका बेसिकली ओपनिंग है, जहां से इसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर वाटर एंटर होता है और यहां से ये ट्यूब्स बनी हुई हैं और ट्यूब्स आ गई, ये हर आर्म में जा रही है और हर आर्म्स के साइडों पे ये जो चीजें हमें नजर, ये नजर, ये ट्यूब फिट नजर आ रहे हैं जो नीचे लोअर साइड पे इमर्ज होते हैं। ऑन एबोरल साइड, स्टूडेंट्स एंटर, ये वाटर कीप सर्कुलेट, सर्कुलेट रखता है। एंटर फ्रॉम द सीव लाइक प्लेट, उसको मैट्रीपोराइट बोलते हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर मैट्रीपोराइट बोलते हैं। ऑन एबोरल सर्फस, यानी कि ऊपर वाली सर्फस पे होती है। गैस एंड वेस्ट एक्सचेंज, इसके जरिए वाटर के जरिए होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, जो मूवमेंट में हेल्प करता है, ट्यूब फीट जिनको बोलते हैं। स्टूडेंट्स अगर देखें यहाँ पे, ये बेसिकली मैट्रीपोराइट्स है, ये जो ट्यूब है इसको स्टोन कैनाल बोलते हैं, और ये जो सर्कुलर रिंग बना हुआ है इसको रिंग कैनाल बोलते हैं। और हर आर्म में फाइव आर्म में इसके आगे क्या है, रेडियल कैनाल जी जा रही है, और इन रेडियल कैनाल की साइडों के ये ट्यूब फिट है। ये ट्यूब फिट बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये क्रीप करती है सरफस पे जो बॉटम होती है ओशन की वहां पे। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम,
मॉडरेटली एडवांस्ड है, स्पेशलाइज्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पेशलाइज्ड है, एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम स्पेशलाइज्ड नहीं है। नर्वस सिस्टम, नर्व रिंग अराउंड माउथ, यानी कि लोअर साइड पे माउथ के गिर्द क्या है, नर्व रिंग है। नर्व रीच आर्म्स, हर आर्म्स में क्या है, नर्व मूव कर रही होती है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे ये देखें, इसमें इसके नर्व रिंग अराउंड द माउथ और ये हर आर्म्स में क्या है, रेडियल नर्व मूव कर रही है स्टारफिश में। और इसकी ये जो टिप है यहाँ पे आई स्पॉट होते हैं, मीन इसकी हर आर्म की जो टिप है वहां पे इसकी आई मौजूद है। स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन है, सेक्स सेपरेट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इसमें जो लार्वी है वो दो तरह का, बाइपिनेरिया और ब्रैंकियोलेरिया। स्टूडेंट्स ये ब्रैंकियोलेरिया इसका लार्वी, उसकी डायग्राम है, और बाइपिनेरिया लार्वी, बाई मीन टू और पिनेरिया मीन पिनी, यानी कि ईयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ब्रैंकियोलेरिया ब्रांच लाइक, इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचेस बनी हुई है, ब्रैंकियोलेरिया है। बाइलेटरल सिमेट्री है किसमें, लार्वी में, रिजेंबल क्वाड्रेट्स, उसका जो लार्वा है किसके साथ, क्वाड्रेट्स, क्वाड्रेट्स यानी कि वर्टिब्रेट्स, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है उनके साथ रिजेंबल करते हैं। स्टूडेंट्स रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, स्टूडेंट्स अगर इसका कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाए तो वो क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये आर्म है यहाँ से कट हो जाए तो ये आर्म क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स प्लेस इन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में अगर इसको देखेंगे कहाँ पे है। स्टूडेंट्स ये जो इकाइनोडर्म्स है ये लेस डेवलप्ड है, सिंपल देन एनालिड, एनालिड से ये सिंपल है, तो इसकी पोजीशन कहाँ पे आनी चाहिए थी, एनालिड से पहले, लेकिन इनको कहाँ पे रखा हुआ है, टॉप ऑन इनवर्टिब्रेट फाइला, डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट इनवर्टिब्रेट, ये इनवर्टिब्रेट से क्या है, डिफरेंट है। अब इसको क्यों रखा गया है इनवर्टिब्रेट फाइलम के टॉप पे, क्योंकि हम लास्ट वाला जो फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ रहे हैं वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है। स्टूडेंट्स उसकी रीजन क्या है, इसकी रिजेंबलेंस है क्वाड्रेट्स के साथ, दोनों में रेडियल क्लीवेज, क्लीवेज रेडियल है, यानी कि जो जाइगोट है जब वो डिवाइड करता है उसमें रेडियल क्लीवेज होती है, दोनों ड्यूट्रियोस्टोम है। बायोकेमिकल सिमिलैरिटी, स्टूडेंट्स क्वाड्रेट्स में और इकाइनोडर्म्स में एक कॉमन बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज है, और वो कॉमन केमिकल कौन सा है, फॉस्फोक्रिएटिन, एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है। मीजोडर्म्स स्केलेटन दोनों में बनता है, दोनों की एवोल्यूशन भी क्या है, सेम है। स्टूडेंट्स ये इस वजह से इन क्रैकर्स की बेस पे जो इकाइनोडर्म्स है इसको टॉप ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला रखा गया। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल अगर देखें, एस्ट्रियस स्टारफिश है ये, सी अर्चन ये, इसी तरह सी ककंबर, ये ककंबर शेप है, केक अर्चन ये यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल है, केक शेप है, ब्रिटल स्टार ये वाली है, और ये फेदर स्टार ये इसकी एग्जाम्पल है। डिफरेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है इसका, अफिनिटीज या रिलेशनशिप ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का रिलेशनशिप क्या है, बेसिकली ये रिजेंबलेंस शो करता है हेमीक्वाड्रेट से भी और क्वाड्रेट से भी। हेमीक्वाड्रेट क्या है, ऐसे क्वाड्रेट्स हैं जो बेसिकली जिनमें हाफ करैक्टरिस्टिक्स क्वाड्रेट्स की तरह है और हाफ इनवर्टिब्रेट्स की तरह है, मेन इसको इसी बेस पे हेमीक्वाड्रेट आप बोलते हैं। स्टूडेंट्स इकाइनोडर्म और हेमीक्वाड्रेट दोनों में ब्लास्टोपोर पहले क्या बनाता है, एनस, बाद में क्या बनाता है, माउथ, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में ऐसा नहीं, इनवर्टिब्रेट्स में क्या है, ब्लास्टोपोर पहले माउथ बनाता है, एनस बाद में बनाता है। दोनों में सिलोम फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, सेम है, मीजोडर्म से बनती है, और दोनों में मीजोडर्म कहां से, ब्लास्टोपोर्स के करीब से डेवलप होती है। बोथ प्रोसेस मीजोडर्मल एक्सोस्केलेटन, दोनों में बेसिकली क्या है, जो स्केलेटन है मीजोडर्म से बनता है। स्टूडेंट्स दोनों में जो स्केलेटन किससे डेवलप होता है, मीजोडर्म से, व्हाइल एक्सोस्केलेटन ऑफ अदर इनवर्टिब्रेट्स एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मीन एक्टोडर्म से बनता है। स्टूडेंट्स ये जो इनमें रिजेंबलेंस है ये एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि ये रिजेंबलेंस आर, दीज रिजेंबलेंस आर आल्सो नॉट डेवलप ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बेस पे भी नहीं हुई। अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, टू डिफरेंट ग्रुप स्टार्ट रिजेंबलिंग ईच अदर, अगर दो डिफरेंट ग्रुप है वो उनके एक दूसरे के साथ करैक्टरिस्टिक्स मिलने लग जाए उसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। एक्चुअली दे शो दीज रिजेंबलेंस बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड, ये क्लोजली रिलेटेड है, एंड हैव इमर्ज फ्रॉम सेम कॉमन इंसेस्टर, ये कहा जाता है हेमीक्वाड्रेट और इकाइनोडर्म के जो इंसेस्टर है वो सेम है। स्टूडेंट्स इसी तरह ये रिजेंबलेंस शो करती है किसके साथ, क्वाड्रेटा के साथ।
बोथ हैव मेसोडर्मल एक्सोस्केलेटन, दोनों में सॉरी यहां पे बेसिकली क्वाड्रेट्स में ये एंडोस्केलेटन है, ठीक है, या स्केलेटन सिंपल लिख ले कि दोनों में जो स्केलेटन किससे बनता है, मेसोडर्मल, मेसोडर्म से बनता है स्केलेटन, क्वाड्रेट्स में भी क्योंकि जो क्वाड्रेट्स है इनमें एंडोस्केलेटन होता है। स्टूडेंट्स ये दोनों में जो स्केलेटन है किससे बनता है, दोनों में जो स्केलेटन किससे बनता है, मेसोडर्म से। अगर हम यहां पे भी देखें तो यहां पे भी बेसिकली हमने एग्जोस्केलेटन लिखा हुआ है, लेकिन जनरली हम क्या लिख सकते हैं कि इनमें दोनों में स्केलेटन किससे बनता है, मेसोडर्म से, दोनों में स्केलेटन मेसोडर्म से बनता है। इसी तरह हेमिकॉर्डेट्स में भी, इकाइनोडर्म में भी, इसी तरह कॉर्डेट्स में और इकाइनोडर्म में भी स्केलेटन किससे बनता है, मेसोडर्म से। बोथ आर ड्यूट्रियोस्टोन्स, दोनों ड्यूट्रियोस्टोन्स हैं। इन लोअर कॉर्डेट एंड इकाइनोडर्म्स अर्ली डेवलपमेंट क्या हुआ है, सिमिलर है। स्टूडेंट्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे ड्यू टू दीज सिमिलैरिटीज इकाइनोडर्म हैव बीन प्लेस्ड क्लोजेस्ट टू द फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि फाइलम कॉर्डेटा के बिल्कुल करीब रखा गया, क्लोज्ड टू फाइलम कॉर्डेटा। इसी वजह से ये रिजेंबलेंस है इनकी क्वाड्रेट्स के साथ। स्टूडेंट्स ये हमारा जो फाइलम थे इनवर्टिब्रेट्स वाले ये कंप्लीट हो गए।